राजस्थान के 27,500 सहायक, बढ़िया तरीके से सुने मित्रों। जिस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर और प्रदेश संयोजक रामजीत पटेल के द्वारा अगस्त क्रांति की योजना तैयार की, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूं, जिसका आगाज रेगुलर जारी रहा और इसी के क्रम में हमारे जिले के जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष भाई अमरदास जी वैष्णव के द्वारा आज रेगुलर 5 दिन हो गए हैं। सबसे पहले बावनिया जी को और उसके बाद में जो कांग्रेस की जो अमृत महोत्सव यात्रा निकल रही थी उसको, और उसके बाद में वहां के विधायकों को, और उसके पश्चात जो जो कांग्रेस का जनप्रतिनिधि सहेला आया उसको बढ़िया तरीके से घेरा। इसी के क्रम में डोटासरा जी को सर्किट हाउस के अंदर घुस करके जबरदस्त घेराव किया, और इसी के पश्चात जिला संयोजक आपूराम जी बिश्नोई, अमरदास जी और सहेला के ब्लॉक उपाध्यक्ष भाई शोकत जी, इन तमाम लोगों की जो टीम और हमारे जालौर के प्रदेश जालौर के प्रवक्ता भाई असलाराम जी मेघवाल, इन तमाम साथियों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से, और जो अन्य इनके साथी थे उनके द्वारा डोटासरा जी को और जिस प्रकार सचिन जी पायलट को बढ़िया तरीके से घेरा, यदि साथियों आप लोग इस प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को बढ़िया तरीके से घेरते हो और आगाज जिस प्रकार जो अगस्त क्रांति है इसको गति देते हो, तो अब चंद ही दिनों में आपका कुछ भला हो सकता है। और कुछ नापाक लोग कह रहे हैं आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन तो भाई वो प्रदेश कार्यकारिणी तपतर है, और जैसे ही अभी बारिश का माहौल है और जैसे ही बारिश शांत होते ही जयपुर के अंदर महापड़ाव डाल दिया जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। परंतु राजस्थान के मंत्री, राजस्थान की सरकार जब आपके क्षेत्र में है तो उनको बढ़िया तरीके से वहां घेरने में आपको कहां दिक्कत हो रही है, उनको तो आप घेरो। और आंदोलन की बात रही, वो तो पहले भी आंदोलन हुआ है, अभी भी होगा। और प्रदेश संयोजक भाई रामजीत जी पटेल, जिनके द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से की प्लान बनाई जा रही है, और मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं युवा और ऊर्जावान प्रदेश संयोजक भाई रामजीत जी पटेल को, जिन्होंने पंडाल के अंदर आप लोगों को मुर्गा बन करके प्रदर्शन करने का भी कहा, नाराबाजी करने का सर्वप्रथम इन्होंने पीसीसी के अंदर घुस करके प्रदर्शन किया, और वैसा ही प्रदर्शन आपको पूरे राजस्थान में करने को कहा, तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ लोगों की नापाकी सिद्ध हुई, परंतु राजस्थान का 27,000 घबराए नहीं। भाई रामजीत जी पटेल और प्रदेश संयोजक के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बहुत अच्छा प्लान बनाया जा रहा है, और चंद ही दिनों में वो प्लान आपके सामने होगा। और जो पूर्व में जैसे 75 दिन धरना चला था शहीद स्मारक पर, उसका पुनरावर्ती होगी, और जिस प्रकार जिलावाइज 2-2 दिन चले थे ऐसा ही धरना पुनः शुरू होगा। और इस धरने की खासियत यह रहेगी, जब तक राजस्थान की सरकार आपको नियमित नहीं कर दे तब तक वो टेंट वहां से उठेगा नहीं। इतना जबरदस्त कार्यक्रम करने के प्रदेश कार्यकारिणी मूड में, तो जिसमें तमाम राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायकों को अपने घर छोड़ने होंगे। मित्रों जीत आपकी निश्चित रूप से होगी, हिंदुस्तान की ताकत नहीं रोक सकती है, इसी के क्रम में मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं आप लोगों को। साथियों प्रदेश कार्यकारिणी तपतर है, आप लोगों को तपतर रहना होगा, सरकार को आप घेरते रहिए, और जिस प्रकार आपको जिलावाइज बुलाते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी भी निभाइए। सरकार के 2-3 महीने हैं, अगस्त तो आपका वैसे चला जाएगा, सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर, उसके बाद में शीतकालीन सत्र और बजट सत्र शुरू हो जाएगा, तो उस समय फिर काम होने की गुंजाइश कम रहेगी, क्योंकि बजट सत्र के अंदर 2 महीने लग जाएंगे, पहले बजट पारित करना, उसकी समीक्षा करना, और उसके बाद में असर संहिता लग जाएगी। तो आप लोगों को 2 अक्टूबर, 5 सितंबर और दीपावली और मानसून सत्र, इस पे पूरा ध्यान देना है, और आप लोगों को बढ़ चढ़ करके इसमें भागीदारी निभानी है। मित्रों आपका नियमितीकरण 101% हो जाएगा। आप लोग किसी से गुमराह होते रहे तो जो 14 साल की पुनरावृत्ति हुई है वो भी पुनः हो सकती है। इसीलिए कोई भी साथी जिस क्षेत्र में एमएलए, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आते हैं, तो उनका बढ़िया तरीके से घेराव करें। और प्रदेश कार्यकारिणी तत्पर है महाआंदोलन के लिए,
और इसी के संदर्भ में मैंने पूर्व में निवेदन किया है भाई रामजी जी पटेल को, प्रत्येक जिले से 100 की टीम गठित कर जहां मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है, तो अब की बार आर या फार है और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के अंदर मुर्गा बन करके पंचायत सहायक के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल क्रिकरी होगी और आपको जखमार के नियमित करना होगा। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ जय संक्रम धन्यवाद। पांताराम विष्णु ब्लॉक संयोजक रानीवाड़ा जालौर।